आसिफ अंसारी, आप देख रहे हैं भिवंडी एक्सप्रेस चैनल। प्रवासी मजदूरों को लेकर आज जो दो दिन से जो हलचल चल रही थी, भिवंडी शहर में हड़कंप मचा हुआ था कि प्रवासी मजदूरों को उनके गांव जाने के लिए ट्रेन चालू होने की घोषणा, ऐसी जानकारी मिलने के बाद एक भिवंडी में हड़कंप सा मचा हुआ था, जिसका नतीजा आज देखने को मिला कि यहाँ भिवंडी रेलवे स्टेशन पर 1200 प्रवासी मजदूरों को उनके गाँव भेजा जा रहा है, जिसमें पुलिस प्रशासन पूरी मेहनत लगन से उनको बस द्वारा यहाँ स्टेशन तक पहुँचा रही है। और आप देख सकते हो तो यहाँ पर एडिशनल कमिश्नर थाना के सब यहाँ पर मौजूद है, भिवंडी के डीसीपी राजकुमार शिंदे भी मौजूद है। उन्होंने बताया कि लगातार एक हफ्ते तक ऐसे ही 1200 मजदूरों के साथ यहाँ से ट्रेन रवाना होगी, ऐसी जानकारी भिवंडी के डीसीपी राजकुमार शिंदे ने दी। आप देख रहे हैं भिवंडी एक्सप्रेस न्यूज़, कैमरामैन वसीम खान के साथ मैं आसिफ अंसारी। आज भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन से गोरखपुर के लिए एक स्पेशल ट्रेन जा रही है। सुबह 10 बजे हमें मालूमात मिली, जैसे ही मालूमात मिली हमने गोरखपुर के जो नागरिक है उनको मैसेज भेजा और उनका आधार कार्ड वेरीफाई करके जिनका गोरखपुर का ही एड्रेस है ऐसे लोगों की लिस्ट वगैरह बनाई, उनका महापालिका के डॉक्टर के पथकों से मेडिकल चेकअप किया, बाद में उनका जो यहाँ से 800 रुपये लगते हैं वो टिकट उनके टीम लीडर के थ्रू पैसा जमा करके टिकट बुकिंग वगैरह करवाया और अभी थोड़ी देर में बोर्डिंग खत्म होने के बाद में ये ट्रेन छूट जाएगी। ये 30 घंटे का जर्नी है, 800 रुपये टिकट है और 24 डिब्बों की गाड़ी है, हर डिब्बों में 54 लोग बैठते हैं, ऐसा 1200 लोगों को लेके ये गोरखपुर जाएगी। और भी ट्रेनें छूटने वाली है, इसलिए हम डाटा बना रहे हैं, हर स्टेट वाइज, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, पुलिस स्टेशन वाइज हमारा डाटा बन रहा है। जैसे ही डाटा बन जाता है हम आगे डिमांड भेजेंगे और वैसे स्पेशल ट्रेन्स बसेस यहाँ से छोड़ी जाएगी। आपके माध्यम से मैं सभी को बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई गलत तरीके से फॉर्म भर के ले रहा है, लोगों के पैसे जमा कर रहा है, तो वो गलत है, उनके ऊपर कानून कार्रवाई हो सकती है। और जो लोग बिना वजह के इकट्ठा हो रहे, मान लो गोरखपुर ट्रेन है और बाकी ज़िलों को भी लोग इकट्ठा हो रहे, तो ऐसे लोगों को सख्त सूचनाएँ दी गई है, समय आने पे उनको ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा। सर, इनके लिए कुछ खाने पीने की सुविधाएं? खाने पीने के लिए महसूल विभाग की ओर से आज दोपहर में भी उनको लंच टिफिन दिया गया और अभी भी उनको फूड बॉक्सेस दिए गए हैं, पानी की बोतल दी गई है, सैनिटाइजर दिया गया है, मास्क, हैंड ग्लोव सभी का प्रावधान हो गया है, उनका मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। सर, जैसे अभी यहाँ से तो मेडिकल चेकअप करने के बाद उनको भेजा जा रहा है, लेकिन क्या वो पैसेंजर वहाँ जाने में क्वारंटाइन करेंगे क्या? डेस्टिनेशन की जगह पे भी दोबारा उनका स्क्रीनिंग होगा, ज़रूरत पड़ने पे वहाँ फिर आइसोलेशन या स्क्रीनिंग हो सकता है और वहाँ के एक्सेप्टेंस के बाद में ही उनको अपने अपने गाँव में वहाँ के प्रशासन के द्वारा भेजा जाएगा।